प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट किए थे और उस एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोगों ने काफी अपना लेक्चर कंप्लीट किया। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रियाकलाप 1.7 को। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, चित्र 1.6 को हम ध्यान से देखें। ये कह रहा है जल का विद्युत अपघटन, मतलब जल यानी कि पानी, जिसके अंदर होता है H2 और O, यानी कि दो संबंध एक के रूप में पानी में विद्यमान होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक शब्द जो लिख रखा है वैद्युत अपघटन, तो प्यारे बच्चों, इस वैद्युत अपघटन का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जहां भी लाइसिस शब्द आता है उसका मतलब होता है तोड़ना, टूटना। तो यहाँ पे उसके पहले इलेक्ट्रिक शब्द है, तो इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत के द्वारा तोड़ा जाना। अब आपको मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत के द्वारा क्या कर देना, टूटना या तोड़ना। लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जल का टूटना और टूट करके उनके अंदर उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको प्राप्त कराना। ठीक है, तो जब भी किसी भी प्रोसेस पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइज यानी कि वैद्युत अपघटन को देखते हैं, तो यह हमें समझ में आना चाहिए कि उसको विद्युत लगा करके, कुछ इलेक्ट्रिक का करंट दे करके उसको तोड़ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस क्रियाकलाप को सीखने का प्रयास करते हैं। और इस क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग यह भी सीख सकते हैं कि क्या हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं क्या। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है 1.7 में कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए। तो जैसा कि यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें करने के लिए कह रहा है, इसमें एक छोटा सा मग को लिया गया है। मग वही मग जिसे जिसका प्रयोग हम लोग घरों में प्रायः यूज करते हैं। अब कह रहा है कि इसकी तली में दो छिद्र करके उसमें रबर का डॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके तली में इसने क्या किया है, छिद्र किया है दो ठो, और छिद्र करके उसमें रबर की डॉट। अब रबर की डॉट यहाँ पे क्यों लगाने के लिए कह रहा है, तो रबर की डॉट इसलिए लगाने के लिए कह रहा है क्योंकि उसके अंदर जो भी जल वगैरह वो लिया जाएगा वो उसमें से गिरे ना, उसमें से रिसे ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो दो काले काले इसमें रॉड की तरह की स्ट्रक्चर, ये मैं रेड से इसको इंडिकेट करा रहा हूं, जो दिख रहा है इसे कार्बन का रॉड कहा जाता है। अब ये रॉड किस कार्बन में, किस मेटल्स का लिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेफाइट का लिया गया है। अब आप समझ सकते हो या पूछ सकते हो कि यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल भी क्यों किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें जान लेना चाहिए कि जो यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल किया गया है, या ग्रेफाइट रॉड विद्युत का क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक हम लोग कह सकते हैं, या गुड कंडक्टर हम लोग इसे कह सकते हैं। मानो इसके जरिए जो करंट का फ्लो होगा वो काफी अच्छा हो सकता है। तो अब आप यहाँ एक प्रश्न ले सकते हो कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ग्रेफाइट की ही रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ग्रेफाइट की जगह पर अन्य वो मेटल जो विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर जो हो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करें, हम लोग जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इत्यादि, हम लोग इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसके जगह पर ग्रेफाइट रॉड के जगह पर कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है
इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने अपने स्वरूप में ही यह समझा है कि जल का वैद्युत अपघटन यानी कि जल को विद्युत लगा करके क्या करना, तोड़ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग वैद्युत अपघटन तो पहले सीखा, तो जब हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया तो उसके लिए हमको बाहर से माने मग यानी कि छोटे से प्रोसेस में हम क्रिया को कर रहे हैं, तो हम उसमें 6 वोल्ट की बैटरी को हम लोग जोड़ देंगे ताकि उसमें वो करंट दे सके। अब यहाँ पे आप प्रश्न ले सकते हो कि सर 6 वोल्ट के अतिरिक्त क्या 12 वोल्ट की भी बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल भी किया जा सकता है, लेकिन जो हम लोगों ने उपकरण लिया है काफी छोटा सा उपकरण है, इसलिए हम लोग छोटे वोल्ट का यानी कि जिससे हमारा काम चल सके उसका प्रयोग यहाँ पे कर रहा है। फिर आप यहाँ दूसरा भी प्रश्न पूछ सकते हो कि सर ये क्या यहाँ पे बैटरी के अतिरिक्त जो घरों में हमारे इलेक्ट्रिक आता है माने विद्युत की सप्लाई है, क्या हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि यह एक छोटा सा प्रोसेस है और छोटे से प्रोसेस के अंतर्गत हमको H2O का हाइड्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ पे यदि बड़े बड़े टैंक के रूप में यदि हम लोग लेते हैं, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यदि करना होगा तो वहां पे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक यानी कि एसी करंट का इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एसी करंट का करना माने एक तरह से हम अपने लिए खतरा मोल ले लेंगे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट में हम प्राय इसका इस्तेमाल एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या लिख रखा है, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया फिर कह रहा मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, यानी कह रहा है कि इसमें पानी को डालना है जैसा कि दिखाया गया चित्र में, पानी को लिया गया है, ये पानी है और ये पानी कुछ इतनी मात्रा में है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड का जो अंतिम सिरा है उसको क्या कर लिया है, ढक लिया है। फिर क्या कह रहा है कि जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि आप इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ अन्य चीजों को पानी के बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जो पानी की स्थिति होती है, पानी वही H2O, यानी कई तरह के पानी होते हैं। एक पानी वो होता है जिसे हम लोग अपने घरों में हैंड पाइप से या जिसे हम कहते हैं टैप से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि घरों में प्रायः पाया जाने वाला पानी। ठीक है, दूसरा हो सकता है मिनरल वाटर जिसको हम लोग सुनते हैं, मार्केट से खरीद के पीते भी हैं, और एक यानी कि हो सकता है टैप वाटर, सीधा सीधा हम कहें तो टैप वाटर यानी कि वाटर यानी कि जो हैंड पाइप से हम लोग सीधा पानी लेते हैं। एक पाइप हम एक पानी हम ले सकते हैं जिसे हम लोग मिनरल कह सकते हैं, मिनरल वाटर एक ये होता है। और तीसरा हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना है कि इन तीनों पानी की खासियत क्या होती है। तो जो भी टैप वाटर होता है उसमें मिनरल्स होते हैं यानी कि कुछ खनिज होते हैं, ठीक है, और वो खनिज जो कि आयंस के रूप में जब भी उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह करेंगे उसमें आयन बहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो पानी है वो एक गुड कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होगा। फिर जो मिनरल वाटर जो है वो भी कंडक्टर गुड होगा, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होगा यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जिसका मतलब होता है कि ऐसा वाटर जिसमें से मिनरल की मात्रा को पूरी की पूरी क्या कर देना, हटा देना, तो उसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जो कि पानी का गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, और बाकी ये गुड कंडक्टर होता है यानी कि उसमें आयंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सीख सकते हैं कि जो ये पानी वहां पे हमने लिया है और उसमें डालने की जो बात की जा रही है, किसका, किसको डालने की, सांद्र H2SO4 की, तो बस इसी के लिए की जा रही है कि यह उसमें 1 से 2 बूंद यदि हम डालते हैं तो उसमें आयंस की मात्रा और बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो
कंडक्टिविटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो उसके अंदर चालकता का गुण है और भी तेजी से बढ़ जाएगा। फिर आगे लिख रखा है कि जल से भरी दो असंकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। यानी कि यहाँ पे चित्र में यह कह रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब परख नली हम लोग लेंगे, ये वाली, और इनमें कुछ पानी भर करके और पूरा पानी हम लोग नहीं भरेंगे और उल्टा करके इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख दिया जाए। फिर आगे क्या क्या, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ से जो बैटरी हमने 6 वोल्ट की लिया है उसके द्वारा हम उसमें क्या करेंगे, धारा को प्रभावित करेंगे और कुछ देर के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद अब आगे देखिए, अब दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले असंकित नली से जल को विस्थापित कर देती हैं। अब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब हम लोगों ने बैटरी का इस्तेमाल किया, यानी कि विद्युत का इस्तेमाल किया, तो विद्युत के द्वारा उसके अंदर जो जल उपस्थित है उनके अंदर जो आयन से हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन OH आयन, ये दोनों टूटना चालू कर देते हैं। ठीक है, टूटने के उपरांत अब क्या होगा, हम लोग देखते हैं किसमें क्या कह रहा है कि बुलबुले देखेंगे, यानी कि ये देखिए, ये जो हम ग्रीन ग्रीन से आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसमें ग्रीन ग्रीन से ये बुलबुले देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, विद्युत देने पर फिर क्या होता है, अब क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, मतलब कह रहा है कि जो इसमें से गैसें निकलेंगी क्या दोनों परख नलियों में इसका आयतन समान है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर, यानी कि ये वाला कॉलम देखिए और ये वाला कॉलम देखिए, इन दोनों के अंदर ये समानता नहीं दिख रही, यानी कि इसमें जो गैसें निकल रही हैं उनका आयतन क्या है, समान नहीं है, एक में कम है और एक में अधिक है। फिर आगे कह रहा है कि अब जब दोनों परख नली यहाँ गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए, यानी कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी हम उसे हटा लेंगे, यानी उस जगह से हटा लेंगे। फिर क्या कह रहा है, अब इसका परीक्षण करने के लिए कह रहा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह पर ला करके इन गैसों की जांच करिए कि दोनों परख नली में किस किस तरह की गैस एकत्रित हुई है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग एक जलती मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, और जलती मोमबत्ती का इस्तेमाल का मतलब, जलती हुई मोमबत्ती जब हम आपके इस सिरे की तरफ, यानी एनोड साइड के सिरे, यानी कि इसके तरफ हम लोग ले जाते हैं जलती हुई मोमबत्ती, तो यह मोमबत्ती और भी क्या होती है, माने पूरी तरह से वह मोमबत्ती जिस गति से जल रही होती है वैसे ही वह मोमबत्ती जलती है। ठीक है, जलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एक साइड ले जाने पर तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे मोमबत्ती ले जाने पर वह मोमबत्ती जल रही होती है और उसमें उसके जलने की जो तीव्रता है बहुत धीरे धीरे गति से जल रही है, जबकि जब हम वही मोमबत्ती इस साइड यानी कि दूसरे साइड ले जाते हैं तो हम देखते क्या है कि वह तीव्रता, माने जो ज्वाला की तीव्रता है, और भी तेजी से जलने लगी। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इतनी तेजी से क्यों जल रही है, तो उसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो यह क्या करती है, उस मोमबत्ती यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को और भी अधिक फ्लेम के साथ जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफी तेजी से क्या करता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत उच्च ज्वलनशील गैस होती है और यह जलाने में सहायक नहीं होती है, पूरी तरह से उसको तेजी तेजी से जलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यह सीखा, देखा कि जब हम एक साइड ले जा रहे थे जहाँ ऑक्सीजन थी वहां पे वो उसे सिर्फ उसका सहयोग कर रही है जलने में, माने वैसे ही नॉर्मल तरीके से धीमे धीमे मोमबत्ती जल रही थी, जबकि दूसरे साइड हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन के संपर्क में मोमबत्ती आती है और भी तीव्रता से
जलने लगती है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि इसे सावधानी में इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। मैंने यहाँ आप जो भी प्रयोग करोगे वो अपने शिक्षक की देखरेख में करोगे। इस तरह दोनों स्थितियों में क्या होता है, तो दोनों स्थितियों में हमने देखा कि जो मोमबत्ती की लौ है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक साइड वो नॉर्मल तरीके से जल रही है, यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल जीवन में कैंडल का इस्तेमाल करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है जो कि जलने में सहायक होती है। फिर दूसरे में देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस उस मोमबत्ती की ज्वाला को और तेजी से भड़का देती है क्योंकि उच्च हाईली फ्लेमेबल गैस होने के कारण। फिर आगे क्या रखा, लिखा कि दोनों परिस्थितियों में कौन सी गैस उपस्थित है, तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने देखा कि एक में कौन सी गैस है, एक में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.7 को समझने का प्रयास किया और उसमें यह सीखा कि पानी का हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है। अब हम लोग अगले अपने स्टेप में हम लोग क्रियाकलाप 1.8 के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।